अबे मर के जा, जान खानी लटक रहा है मेरे मुंह। हेलो गाइस, गेमिंग बीस्ट हियर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कंट्रोल गेम। सो लास्ट एपिसोड में तुम्हें याद होगा कि हम मार्शल से मिल चुके थे एंड मार्शल ने हमसे कही थी कि हमें जाना है डॉक्टर डार्ली की एचआरए लैब के अंदर और वहां से कुछ एचआरए को कलेक्ट करना है ताकि हम उन एचआरए के थ्रू हिस्से लड़ सकें। सो आज हमें डॉक्टर डार्लिंग की लैब में जाना है, ये हमारा मिशन है। सो लेट्स बिगिन। सो या लास्ट एपिसोड में हम मार्शल से मिल चुके थे एंड मार्शल ने हमसे कहा था कि एचआरए जाके कलेक्ट करो डॉक्टर डार्लिंग की एचआरए लैब के अंदर। सो उसने हमें रास्ता बताया था, ये वाला, यहाँ से हम आए हैं एंड अब हमें जाना है डॉक्टर डार्लिंग के एचआरए लैब के अंदर। सो चलते हैं डॉक्टर डार्लिंग के एचआरए लैब में। सो ये है रिचुअल डिवीजन और इसी के थ्रू हमें जाना है एचआरए लैब के अंदर। जो ये मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये वाले, इन्होंने सारे इसके बंदों को मार दिया आई थिंक। अब ये हमारी पोलारिस हमें क्या बता रही है। पोलारिस इस स्टार का नाम है जो हमें गाइड कर रही है। ये ब्लू ब्लू आया था ना, देखो ये वाला। सो मैंने कंट्रोल पॉइंट को क्लेम कर लिया है, दोबारा बिल्डिंग नॉर्मल हो चुकी है। फिर ये रहा रिचुअल ऑफिस। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है प्रोटेक्टिव स्टडीज़ के अंदर। कहाँ पे है प्रोटेक्टिव स्टडीज़, ऐसे बोरे वो तो रहा प्रोटेक्टिव स्टडीज। चलो चले अंदर। कॉन्टिन्यू ऑन टूवर्ड्स डार्लिंग एच आर ए लैब। सो डार्लिंग की एच आर ए लैब के अंदर जाना है हमें। देखो ये पोलारिस, ये पोलारिस है ना, देखो गाइड कर रही है कि हाँ देखो तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। हाँ वहाँ पोलारिस आ जाएगी जब भी तुम सही रास्ते पर हो गए। ये है आई थिंक पजल है, कोई पजल है। सो इधर ये पजल कंप्लीट करनी है मुझे। ओह पजल कंप्लीट हो गई, ये गेट खुल गया। ये रही एचआरए लैब हमारी। अब हमें एक्टिवेट करनी है एचआरए मशीन। क्या हुआ? रीस्टार्ट द पंच कार्ड टर्मिनल्स एंड देन एक्टिवेट द एचआरए मशीन। सो एचआरए मशीन को सिलेक्ट कर स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमें कुछ पंच कार्ड पजल सॉल्व करनी है। जैसे ये तुम व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हो जो हमारे डॉक्टर डार्लिंग है ना। अरे यार ये चुप हो जाओ, पीछे से बोल रहे हो। हाँ चलो चुप हुए। अब देखो जो हमारे डॉक्टर डार्लिंग है उन्होंने कुछ हिंट दे रखे हैं पजल के लिए। अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बने हुए हैं, बहुत सारे वाइट बोर्ड हैं, जैसे कि ये दूसरा वाइट बोर्ड है, इस पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं एंड एक तीसरा वाइट बोर्ड भी होगा मे बी। ये रहा, पहले ऊपर चल के देखते हैं वो तीसरा वाइट बोर्ड देख लेते हैं। एक ये रहा वाइट बोर्ड। अब इन वाइट बोर्ड के ऊपर है ना एक पजल का हिंट है और वो पजल क्या है, जो ये पंच कार्ड्स हैं, जैसे ये वाला पंच कार्ड हमें इन मशीन्स में लगाने हैं। अब इस मशीन के ऊपर देखो तुम्हें फोर लग रहा होगा, जो फोर ही है, तो नंबर्स के हिसाब से पंच कार्ड मशीन के अंदर लगाने हैं एंड वो नंबर्स हमें कैसे पता लगेंगे, इन वाइट बोर्ड के थ्रू। इन वाइट बोर्ड्स पे जो ये पजल के हिंट लिखे हुए हैं इनके थ्रू हमें पता लगेंगे। अब जैसे कि ये जो ये तुम तीन ट्राइंगल देख रहे हो, ये पहली पोजिशन पर है इस वाले में, इस वाले वाइट बोर्ड के अंदर। एंड जो दूसरा वाइट बोर्ड है हमारा कहाँ गया, ये वाला वाइट बोर्ड है, इसमें भी ट्राइंगल पहली पोजीशन पे है एंड इस वाले में ट्राइंगल ही नहीं है। तो पहली पोजीशन पे तो आई थिंक ट्राइंगल ही होगा। सो ट्राइंगल वाला पंच कार्ड इसमें लगा देता हूँ मैं, मेरे पे ट्राइंगल वाला पंच कार्ड ही नहीं है। पहले पंच कार्ड कलेक्ट कर लेता हूँ सारे कहाँ कहाँ पड़े हैं। एक केरा पंच कार्ड और होंगे पंच कार्ड, तो भाई एक केरा पंच कार्ड, देखो ट्राइंगल वाला पंच कार्ड है, पहले सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। तीन हो गए मेरे ख्याल से मेरे पे कलेक्ट। इस वाले में पहले वो ट्रायंगल वाले लगा देता हूँ। चलो ट्रायंगल वाले लगा दिया, एक येरा पंच कार्ड, एक और होगा वो रहा एक नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है। सो सारे पंच कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं अपना दिमाग चलाता हूँ और पजल सॉल्व करता हूँ। सो अभी मेरे पास एक कॉपी है, मुझे याद नहीं है, ये कॉपी है मेरे पास एंड इस कॉपी के अंदर मैं वो पजल लिखूँगा एंड उसका ऑर्डर लिखूँगा मैं बेसिकली। सो लिखता हूँ। सो या
ऑर्डर मैंने लिख दिया है एंड अब उस ऑर्डर के थ्रू मैं पंच कार्ड लगा देता हूँ। अब पहली वाली मशीन में तो तुम्हें पता ही है मैंने पंच कार्ड लगा दिया था ट्राइंगल वाला, वो ठीक है। अब हमें दूसरी तीसरी मशीन के अंदर लगाने हैं पंच कार्ड्स। ये फिफ्थ मशीन के अंदर कौन सा पंच कार्ड लगेगा? फिफ्थ के अंदर लगेगा बेंजीन वाला। अब बेंजीन क्या है? ये बेंजीन है, ये वाला बेंजीन का पंच कार्ड है। कुछ कुछ बेंजीन जैसा लग रहा है ना बीच में, इसलिए मैंने बेंजीन वाला कर दिया। मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मुझे ये बेंजीन ही लगेगी। अब कहाँ पे है ये सेकंड नंबर वाली मशीन में अंदर क्या लगेगा? सेकंड वाली के अंदर मेरे ख्याल से लगेगा ये वाला स्क्वायर, पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा है वन हाफ साइड बेंजीन। सॉरी मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, इसमें हाफ साइड वाला बेंजीन लगेगा। हाफ साइड वाला बेंजीन ये है एंड उसमें फुल साइड वाला बेंजीन लगेगा हमारी सेकंड वाली मशीन के अंदर। इस वाली के अंदर फुल साइज़ वाला बेंजीन लगेगा और जो हमारी फोर्थ मशीन है जो ऊपर रखी हुई है उसके अंदर लगेगा क्यूब वाला। तो उसके अंदर क्यूब वाला लगा के आ जाते हैं जल्दी से, एक क्यूब वाला लगा देता हूँ उसके अंदर। एंड अब जो ये बचा हुआ है ये हमारा तीसरी मशीन के अंदर लग जाएगा, या इसके अंदर नहीं लगाना पंच कार्ड। सो आई थिंक यस, मैंने पजल पूरी कंप्लीट कर दी है। सो मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ उस मशीन को। मेरी कॉपी काम कर गई भाई, मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई। क्या हो रहा है? ओह काम नहीं करी। The prism shattered. Darling's prototypes have a lot of issues. We need a new plan. Speak with Marshall कह रहा है। We need more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site in maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. अब फिर से maintenance sector के अंदर जाना पड़ेगा। कैसी मशीन बनाई है Darling? चलती नहीं तेरी मशीन। What do you know about Dylan Faden? ओह मुद्दे की बात करी, Dylan Faden के बारे में बता। Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. Hey, यार इसने कही है कि पहले तू मुझे प्रिज्म ला के दो, फिर मेरे से बात करना Dylan Faden के बारे में। I'll call you Faden. Here, you'll need this key card. Thanks. पहले पॉप ने दिया था की कार्ड, अब मार्शल दे दिया की कार्ड। I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. It's just one large scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance. क्या कह रहा है ये? Viral, invasive resonance. That's what the Hedron resonance amplifiers are for. अच्छा, HRA की full form Hedron resonance amplifier है. Taking the protection Hedron can provide us and keeping us from being wiped out. ये क्या है? ये क्या खदान सी में आ गया मैं? यानी क्या था? चलो भाई कहाँ जाना है मुझे? अच्छा यहाँ से रिसर्च सेक्टर का वो है। ए तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? पता ना कितने लोगों को मार के आया हूँ पहले वाले पार्ट के अंदर। शॉर्टकट है तो मुझे उसका यूज़ करने दो, बेफालतू में इतना घुमा दिया तुमने मुझे। देखना यार कितना प्यारा शॉर्टकट है, वो रहा सेक्टर एनिवेटर और ही रहा वो जहाँ मुझे जाना था। चलो भाई अब कहाँ जाना है मुझे? मेंटेनेंस सेक्टर के अंदर। तो भाई यहाँ क्या भूकंप सा आ रहा है? HRA's first. They'll help save everyone. पहले HRA फिर बाद की बात। Once I find him.
keep him safe. Like you do with me. अरे ये तो बंदे मुंह पे आके खड़ा है मेरे, तो डर नहीं लगता भाई? अरे भाई इनकी भी यार हेल्थ रीगेन हो रही है, वो कहाँ है इनके हेल्थ रीगेन कर रहा है? सामने बुलाओ मुझे उसके। ए यार तू मार नहीं सकता, वैसे आ रहा मेरा आगे तू। अरे तुम्हारी गोली तो मेरे लग रही है, मेरी गोली नहीं लगती, पर नहीं मेरी गोली भी लग रही है। रुक जा, थम जा, थम जा तू। अरे मर जा, पर जा रे, मर जा। कौन मार रहा पीछे से? कौन नहीं पर चढ़ के बैठे हैं भाई? मरा, खड़ा हो रहा था ये बंदा। अब हमें जाना है एटलस चैम्बर में, एटलस चैम्बर आ गए हैं। चलो भाई एटलस चैम्बर के अंदर खुल जा सिमसिम, खुल जा। चलो, ओ यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। वो बिल्कुल किनारे पे आकर रुका हूँ मैं। मुझे लगता है मुझे अब रास्ता बनाने के लिए भी कुछ करना ही पड़ेगा। चलो भाई खुल जा, तू भी खुल जा। अब कहाँ जाना है मुझे? एटलस चैम्बर, यहाँ चलूँ एक बार? यहाँ क्या है ये? क्या टर्बाइन रूम? ओह वे भी खुल गया, बैटरी पड़ी हुई है, इसको निकाल दो। पच गया। बेसिकली मुझे वो बैटरी निकालनी है आई थिंक, और आगे जाना है। निकल जाए बैटरी, बहुत चलनी तू। अच्छा मुझे यार वो बैटरी भी लगानी थी इस पर। एक और बैटरी दे दो कोई भाई, बैटरी नीचे से लानी पड़ेगी। सो गेट खुल गया, फाइनली गेट खुल गया। ओह ये क्या है? दोबारा एक खटका दबाना है मुझे, दोबारा पजल आएगी मोटेल वाली। देखो यहाँ लिखा हुआ है द लॉ ऑफ थ्री अप्लाइज। मुझे पता ही था जब ये खटका आता है ना तो ये मुझे मोटेल में भेज देते हैं, और यहाँ कहते हैं भाई तू पजल सॉल्व कर अपनी। तकड़ा गाना बजाते हैं। सो पहला गेट खुल गया हमारा। अब यहाँ पे तुम देख लो अरेंजमेंट कैसी कैसी है। ये पिक्चर सीधी है, ये इधर है, सब सही है, एक वेल अरेंज्ड रूम है। अब सेकंड वाला गेट खुलेगा, सेकंड वाले रूम में सब सही है। पहले पिक्चर सीधी करनी है हमें, ये फ्लावर पॉट इधर करना है हमें। बस एक कुर्सी ऐसी है उसमें, हाँ आप बताओ ना, कुर्सी ऐसी है। ओ ये वाला रूम खुल गया, बस वो रेडियो उधर करने की देर थी। और ये मिल गई चाबी, इसे उठाते हैं एंड चलते हैं आगे। क्या गाना है, वाइप कर सकते हो तुम इस पर। अब ये खटका तीन बार दबाना है। सो आ गए, किधर जाना है? टर्बाइन रूम मेरा। ओ चलो यहाँ से आए थे ना मैं, हाँ ब्लैक रॉक प्रोसेसिंग। अब मुझे जाना है एटलस चैम्बर में। चलो देखो पजल सॉल्व हो गई, सारा रास्ता खुल चुका है। अब ये वाला गेट खुल जाए भाई, इसके लिए कोई पजल ना हो। चलो ये खुल रहा है, ये भी खुल गया,
ये वाला भी खुल गया फाइनली, अम्मा आ गए एटलस चैम्बर के अंदर। वी नीड टू फाइंड अ वे टू ब्लैक रॉक प्रोसेसिंग, दैट्स वेयर मार्शल सेड वी'ड फाइंड अ प्रिज्म। ओ कहाँ जाना है भाई? ये है यहाँ तो लट बज रहा भाई, मुझे मत देखना कोई, मैंने कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, कहीं से नहीं आ रही गोली, नहीं मार रहे, अपने आप में लड़ रहे हैं। चलो अरे तू मेरे पास आ रहा है, आजा 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 आजा, प्रसाद मिलेगा तुझे, आजा आजा। अरे तू तो मोटे है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं चलूँ पर भी हैं, लड़ रहे हैं। अरे भाई मेरी तो इन्होंने पावर ही नहीं ली, मैं तो भागूँ पहले, इनके चक्कर में मैं मर गया। अरे मुझ पर आ लिया भाग लिया, बच गया रे बच गया। अबे मर के जा, जान खा ली, लटक रहा है मेरे मुँह पर। वो नहीं मिसाइल मैन, हाँ फाइनली मार दिया सबको। थोड़ा फोकस करना होता है एंड सब मर जाते हैं। अब क्लेंस कर देता हूँ कंट्रोल पॉइंट को जल्दी से। हाँ बिल्डिंग नॉर्मल हो चुकी है। अरिंज कहाँ? अरिंज तू नहीं पी है, तू यहाँ क्या कर रहा भाई? वो हमारा अरिंज है, यहाँ पे ही है, अरिंज से मिल के आते हैं अपने। ये रहा अरिश का कमरा है क्या भाई? ये रहा अरिश, अरिश क्या कर रहा भाई तू यहाँ? Thanks for bringing down that whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh. भाई सही बता दे सर। These people seem familiar with death. Yes, ये तो डेथ से रोज लड़ते हैं, इनका काम है डेथ से लड़ना। इन्हें क्या डर लग रहा है? We need Black Rock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Black Rock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. The day at the FBC. But Darling's lab is just past Black Rock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a hiss monster has decided to move in. So that's great. अरे हिस के वो हर जगह घुस जाते हैं। अब बताओ जहाँ मुझे जाना था ब्लैक रॉक प्रोसेसिंग लैब के अंदर, उसके दरवाजे पे बैठ गया चारे ओ हिस का बंदा। Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know me. How I failed people. क्यों? Job here, Arish. सही तो काम कर रही है हमारी जैसी, खुद कह रही है कि मैं तो फेल करा देती हूँ पीपल्स को। नहीं यार। I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. Be sure to put a bullet in that thing for me. So, अब हमें जाना है फाइंड अ ब्लैक रॉक प्रिज्म के अंदर। So, ये वाले मिशन अब करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।